महाराष्ट्र का चुनावी बुगुल इस समय फूक चुका है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी जबकि नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के घटक दलों में घमासान जारी है। फिर चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों गठबंधन की पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीट का दावा ठोक रही हैं, लेकिन सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। बीजेपी की आज शाम दिल्ली में बैठक है जिसमें महाराष्ट्र को लेकर के मंथन होगा। हालांकि महायुति में कुछ सीट पर बात बनी है, वहीं कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 110 सीट की मांग कर रही है, जबकि उद्धव गुट और शरद पवार के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो मोलभाव की स्थिति में इस समय है ही नहीं। वहीं महायुति के बड़े भाई की भूमिका निभा रही बीजेपी फूक फूक कर वहां कदम रख रही है। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा संकेत दिया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और इस दौरान जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि आगामी चुनाव में महायुति का सीएम फेस कौन होगा, तो इस सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो यहां बैठे हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी का भी नाम लिया नहीं। कार्यक्रम के बीच में फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को चुनौती देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी शरद पवार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। उन्होंने आगे कहा कि हमें सीएम फेस का ऐलान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सीएम यहां पर बैठा हुआ है। फडणवीस के इस पूरे स्टेटमेंट के बाद कई संकेतों के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर के किस नेता ने क्या कुछ कहा है, पहले भी ये सुनते हैं, फिर आगे इस पर विश्लेषण करेंगे। पिछले बार चुनाव में हमने थोड़े थोड़े होटल से हारे हैं, उस सीटों पर निर्णय होगा या चर्चा होगी, और केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो सर्वेक्षण है वो सर्वेक्षण के आधार पे कौन जीत सकता है, कौन फाइट कर सकता है, महायुति में आप आगे कैसे जाएंगे। तो मुझे लगता है जब 288 में 70-80-90 तक की सीटों का फैसला हो गया है तो आप अपनी सीटें ऑलरेडी है हमारे पास, हमारी है, एकनाथ जी के पास एकनाथ जी की है, अजीत दादा के पास अजीत दादा की है, तो पहले तो वो जो सीटिंग है उनके ऊपर निर्णय हमको करने पड़ेंगे, बाद में जो बची हुई है उस पर निर्णय करने पड़ेंगे। सीट शेयरिंग की बात सिर्फ महाविकास आघाड़ी है, सामने भी 3-4 पार्टी एक साथ है ना, उनको भी सवाल पूछिए। हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्दी हम आ जाएंगे। ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पावर साहब की राष्ट्रवादी है, और बाकी हमारे मित्र पक्ष है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। 15% सीटों के ऊपर निर्णय लेना बाकी है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी और जल्द से जल्द उसके बारे में निर्णय होगा। अच्छा, 2019 के नतीजे कैसे थे जरा एक बार आपको याद दिला देते हैं। बीजेपी 105, कांग्रेस 44, शिवसेना 56, एनसीपी 54, निर्दलीय 13 और अन्य के खाते में 16 गए थे। अब यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि एनसीपी और शिवसेना दोनों इस समय बटे हुए हैं और बीजेपी के साथ मिलकर के शिवसेना का एक गुट साथ दे रहा है। ये 2019 के आंकड़े हैं जो परिणाम के रूप में सामने आए, लेकिन अब ये बाइफर्केट हो गए हैं जहाँ पहले 6 पार्टियाँ मुख्य तौर पर 5 पार्टियाँ और एक अन्य जो है निर्दलीय थे, वही 2024 में ये पार्टियां पांचों पार्टियां बट करके ज्यादा संख्या में हो गई है। बीजेपी के पास 103, कांग्रेस के पास 37, ये अभी मौजूदा जो स्थिति है वो बता रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के पास है 16, शिवसेना शिंदे के पास 37, एनसीपी अजित पवार के पास 39, एनसीपी शरद पवार के पास 13, अन्य के खाते में है 28 और जो खाली सीट अभी बची है वो है 15 सीटें। तो ये पूरा समीकरण है 2019 to 2024, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि अगर महागठबंधन बनता है, अगर इंडिया अलायंस के रूप में भी आप महाराष्ट्र में इस चुनाव को देखते हैं, तो क्या सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो पाएगा। हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है उसके बाद मोल भाव की स्थिति में फिलहाल कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में कैसे लोगों को जोड़ने का काम कांग्रेस और खुद उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। चुनावी डेट भी आप देख लीजिए, नामांकन 22 अक्टूबर, नाम वापसी की तारीख है 29 अक्टूबर, इसके साथ ही वोटिंग एक ही चरण में 288 सीटों पर 20 नवंबर को और रिजल्ट सामने आएंगे 23 नवंबर को। तो महाराष्ट्र में चुनावी परिणाम 23 नवंबर को आने वाले हैं और उससे पहले जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी तेज कर रही है। बीजेपी का मनोबल जाहिर है बढ़ा हुआ है क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके की जीत बीजेपी को मिली है उसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त लग रही है, लेकिन
अंदर खाने काम करने की जरूरत है और जाहिर है इसका जिम्मा जो है वो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के हिस्से में आने वाला है और अमित शाह लगातार इसको लेकर के काम भी कर रहे हैं। इसी बीच हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी भी कई दफे महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हैं, वहां के लोगों को उन्होंने बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं और इसकी वजह ये है कि आने वाले दिनों में वहां पर विधानसभा चुनाव है जिसकी तारीख का ऐलान भी हो गया है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को परिणाम सामने आने वाले हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सर्वे जो कहता है और सर्वे के आधार पर जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कांग्रेस कर सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा तोल मोल के भाव में इस समय कांग्रेस महाराष्ट्र में नजर आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी सबको साथ लेने की लेकर चलने की कोशिश कांग्रेस की जरूर होगी। अगर कांग्रेस महाराष्ट्र के रण को फतेह करना चाहती है तो महायुति वर्सेस महाघाड़ी में किसके सिर पर जीत का ये ताज सजने वाला है ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो कोशिश है जो प्रयास है वो सभी पार्टियों द्वारा इस समय किया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां इस समय अंदर खाने काम कर रही है और 2024 में कहां कहां गठबंधन है महायुति और महाविकास आघाड़ी में वो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाएगा ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को कम सीटों पर संतोष करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मोल भाव की जगह बची नहीं है। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस पर हावी हो जाएंगे ये एक अहम सवाल है और बहुत सारी पार्टियाँ एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, महाविकास आघाड़ी में क्या होने वाला है, क्योंकि महायुति अपने आप को एक साथ एकजुट होकर के चलने की कोशिश कर रही है, बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट इसके साथ ही एनसीपी अजित पवार गुट ये सब साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहने वाला है कि जब 23 नवंबर को रिजल्ट्स आएंगे तो क्या फिर एक बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या फिर सत्ता में वापसी को लेकर के कोई बड़ा फैसला बीजेपी द्वारा लिया जा सकता है, यानी कि जो साथ में गठबंधन वाले लोग हैं जो दल हैं जैसे कि अजित पवार जैसे कि एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना शिंदे गुट क्या उनको लेकर के कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अदिति, महाराष्ट्र के रण को किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि अब पूरा पूरा जोर इसी बात पर है किसी भी पार्टी का, महाविकास आघाड़ी का या महायुति का, कि चुनाव को फतेह करना है, इस रण में जीतना है। अब दोनों ही पार्टी में आप कैसे यानी दोनों गठबंधन को कैसे आगे बढ़ते हुए आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपने कहा कि आप चुनाव को कैसे देख रहे हैं, तो मैं बड़े रोचक अंदाज में इस चुनाव को देख रही हूँ, क्योंकि अक्सर जब नतीजे अच्छे आ रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि हरियाणा का नतीजा इतना अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी, भले ही सबको लग रहा होगा चुनाव सिर पर है और चुनाव की तैयारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल जब पहले सरकार पाँच साल पहले जो चुनाव हुए थे तभी से तैयारियों में जुटी हुई थी। लगातार महाराष्ट्र का ऋण इतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उत्तर प्रदेश का ऋण जो रण होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको बता दूं शिखा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोर ग्रुप की बैठक हुई सोमवार को और उस कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह ने 3 बातें कही। केपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम जो है वो तमाम लोग उसमें शामिल रहे। 3 बातें कही गई। पहला ये कहा गया कि हमको मराठा और साथ में ओबीसी वोट बैंक, यानी कि मराठा और ओबीसी वोट बैंक को लामबंद कैसे करना है इसकी रणनीति पर काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही है। आपने देखा होगा कि हरियाणा का चुनाव भी शिखा जो जीता गया है वो पूरा रिवर्स पोलराइजेशन से जीता गया है। जमीन पर चीजें क्लियर होती गई और रिवर्स पोलराइजेशन, दो फैक्टर, एक कैबिनेट के अच्छे फैसले और रिवर्स पोलराइजेशन, ये दोनों तरीके से जीता गया है कार्यकर्ताओं को मैनेज करते हुए। यहाँ पर भी वही रणनीति हो रही है। तो पहला अमित शाह ने जब कोर ग्रुप की बैठक हुई तो ये क्लियर कर दिया
कि ओबीसी वोट बैंक को कैसे लामबंद करना है मराठा वोट बैंक के साथ, यानी अन्य समुदाय के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक को लामबंद करना, क्योंकि 2024 के चुनाव में, उसका भी मैं आगे जिक्र करूंगी, 24 के देश के चुनाव में कई ऐसे लोकसभाएं हारी गई जो भले एक लोकसभा में अगर 8 सीटें हैं, 5 से 8 सीटें हैं, तो बाकी विधानसभाओं में तो अच्छा, एक लोकसभा में 5 से 8 विधानसभा सीटें हैं, बाकी विधानसभाओं में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक विधानसभा के चलते पूरी की पूरी लोकसभा हार दी गई। तो ये भी तैयारी की गई दूसरी कि हम लोकसभा वाइज टिकट वितरण भी करेंगे, लोकसभा वाइज स्ट्रैटेजी करेंगे। महाराष्ट्र को हमेशा 4 जोन में बांट दिया जाता है, विभद्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो बहुत अच्छे से वहां पर चुनाव नहीं जीता गया, तो कारण पता किए जा रहे हैं कि क्या वजह है। तीसरी बड़ी बात है सीट शेयरिंग। देखिए अक्सर ऐसा होता है और होता ही होता है शिखा कि सीट शेयरिंग के मसले पर पार्टियों के बीच में खींचतान होती है। ये संभव नहीं कि सब कुछ आसानी से हो जाए, लेकिन अमित शाह का ये मानना है कि हमें ये तमाम जो चर्चाएं हैं जिसमें कभी कोई असहमति भी अगर आएगी तो उसको अंडर द कार्पेट रखना है, उसको बिल्कुल भी जग जाहिर नहीं करना, क्योंकि अगर अलायंस के बीच में, महायुति के बीच में खींचता नजर आई तो वोटर का इंटरेस्ट महायुति से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार की जनता को एक ठोस सरकार चाहिए। अब आपको मैं ये बता दूं कि 288 के विधानसभा वाले महाराष्ट्र में लगभग 90% सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है, और इसका प्रमाण प्रफुल्ल पटेल, जो अजीत पवार के वाले जो प्रफुल्ल पटेल है पार्टी के, उन्होंने कहा कि 230 सीटों पर लगभग बातचीत हो चुकी है। लेकिन अगर आप मुझसे फेयर आइडिया मांगे तो देखिए 288 में से 158 भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, 70 सीटों पर एनसीपी शिवसेना चुनाव लड़ना चाहती है, और 50 सीटों पर एनसीपी की बात हुई है, अभी भी 10 सीटें इसमें बाकी हैं। अब आपको बता दें चौथा जो अमित शाह ने तय किया है वो ये है कि जिस सीट पर जिस पार्टी का, अलायंस की पार्टी का, गठबंधन की पार्टी का विधायक है, वो सीट आप उन्हें दे दें। अगर भारतीय जनता पार्टी का है किसी सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुनाव लड़ेगा, यानी नेता चुनाव लड़ेगा। पाकिस्तान में जो कुछ भी एस जयशंकर ने कहा है, साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर साथ साथ चलना है तो आतंकवाद को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी बहुत सारे सवाल उठा रही थी उनके इस विजिट पर। किसी भी देश के लिए दूसरे देश की धरती पर जाकर उसको वॉर्न करके आना, उसको आंख दिखा के आना, अपने आप में उस देश की डिप्लोमेसी के साथ साथ उस देश की ताकत का अंदाजा बताता है, उसको दर्शाता है। दो बातें, बिना चाइना का नाम लिए कहा कि बॉर्डर्स का सम्मान करना होगा, ये बात चाइना के लिए कही गई उसकी विस्तारवादी गलत नीतियों की वजह से, और दूसरी बात पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान द्वारा आयोजित SCO में भाग लेकर ये कह देना कि व्यापार और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते, ये भारत की डिप्लोमेसी, भारत की ताकत और भारत की मंशा के साफ संदेश है। और ये ऐसा नहीं है कि आज ये बात पहली बार कही गई जी, किसी बात को बार बार दोहराया जाता है वो भी इंटरनेशनल मंच पर, तो ये बता दिया जाता है कि भारत किस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस गए थे तब भी ये बात कही गई जी कि हमें जो बॉर्डर्स हैं उनके अखंडता का, संप्रभुता का सम्मान करना होगा। यही बात एस जय शंकर ने जाकर कही कि हम SCO जो आज ये शांघाई कोऑपरेशन साथ आया है उसमें हम बॉर्डर्स के सुरक्षा, व्यापार, ट्रेड, इन तमाम चीजों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले है कि हमारे बॉर्डर्स की अखंडता, संप्रभुता का सम्मान आपस और मुझे लगता है कि इसी बात का जिक्र वहां करके ना केवल पाकिस्तान को अदिति बल्कि चीन को भी जो है उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब भारत चुप नहीं बैठने वाला है। अदिति एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुद्दे पर आपको लिए चलते हैं। महाराष्ट्र का मुद्दा इस समय बीजेपी के लिए भी एक बड़ा सबब है, वो इसलिए भी क्योंकि हरियाणा का रन तो उन्होंने फतेह कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी के लिए यानी इस पूरे गठबंधन के लिए क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए साहित्य तौर पे पहले तो सीट शेयरिंग एक चुनौती का सबब है, दूसरा ये बात है कि क्योंकि ये नहीं माना जा रहा है कि किस तरीके से क्योंकि ये नहीं बात मानी जा रही है कि कैसे
कौन सीएम चेहरा होगा ये। और दूसरी बात है चुनौती, इस बात की मैं आपको कुछ की पॉइंटर्स बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि किन की पॉइंटर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अपने उस पर उतरना चाहती है। मैं सबसे पहले बताऊं कि जिस मराठा वोटर्स को लेकर या ओबीसी वोटर्स को लेकर टारगेट भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसके लिए क्या प्लान तैयार किया है। शिखा, सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कहा जाएगा कि जिससे मैं खास तौर पे बता रही हूँ, औरंगजेब फैन क्लब का जिक्र किया जाएगा, उन तमाम बयानों का जिक्र किया जाएगा उद्धव ठाकरे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नई शिवसेना है शिंदे वाली, इन सभी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती की बात है वो क्या है, मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी चुनौती की बात है वोट का डाइवर्शन। अगर सिंपैथी के नाम पर उद्धव ठाकरे मराठा वोट या ओबीसी वोट ले जाते हैं, खास तौर पे मराठा वोट, देखिए विचारधारा के तौर पर उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक ही पेज पर है, और उसके लिहाज से अगर वोट डाइवर्ट होते हैं, उस वोट को डाइवर्ट ना होने देने के चलते आप, मैं कुछ मुद्दे बता रही हूँ, आप जनता को याद दिला जाएगा कि उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब फैन क्लब वाले महागाड़ी नेता हैं, ये भी याद दिलाया जाएगा कि बाला साहेब का वारिस बताने वाले उद्धव ठाकरे ने कसाब को बिरयानी खिलाने, याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने की बात की थी, जाकिर नायक को शांति का दूत बताने की बात कही थी, पीआईएफ का समर्थन करने वाले हैं वो, ऐसे तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा जिससे कहीं ना कहीं जो वोट डाइवर्ट होता है, या आपको सीधी भाषा में बताएं हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, वो ये तमाम जिन बातों का मैं जिक्र कर रही हूँ वो बात की जाएगी। और आप देखिए राहुल गांधी के लिए बार बार कहा जाएगा कि राहुल गांधी बात तो करते हैं ओबीसी की, लेकिन जब किसी दलित महिला को मुख्यमंत्री बताने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वोट डाइवर्जन को रोकना, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना, और राहुल गांधी और जो महाविकास अघाड़ी है उनकी आइडियोलॉजी को डिकोड करके जनता के बीच में बताना, ये पूरी स्ट्रेटेजी है। और जो सबसे बड़ी चुनौती का आप जिक्र कर रही है वो चुनौती यही है कि वोट बटे ना, क्योंकि देखिए 8 पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। एक और खास बात मैं आपको बताऊँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी कि कैसे लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा रहा है। और यहाँ पर भी ना सिर्फ अभी जो अलायंस है, जैसे कि शिंदे वाली एनसीपी, या फिर अगर अजीत पवार वाली एनसीपी, माफ कीजिएगा शिंदे वाली जो शिवसेना, इसके अलावा कई और छोटे दलों को जोड़ा जाएगा। कई ऐसे इलाके अभी भी हैं जहाँ पर छोटे दल काफी प्रभावी है। निर्दलियों का बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पर भी, कई निर्दलीय चाहे और नजर हमेशा अदिति बीजेपी की निर्दलीय नेताओं पर भी रहती है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 43 सीट्स जेएमएम के नाम रहेगा। वहीं कांग्रेस 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी। आरजेडी को 5, सीपीआई एमएल को 4 सीट मिलने की जानकारी इस समय मिल रही है। आदित्य, झारखंड को लेकर के ये फॉर्मूला तय हो गया है, कांग्रेस को छोटा भाई बनना पड़ेगा यहाँ पर, ये पूरी तरीके से इस पर सहमति बन गई है। जाहिर तौर पे देखिए, अगर हम इसका जिक्र करें झारखंड का, अगर 2009 से लेकर अब तक का पैटर, भले ही वोट परसेंटेज का जिक्र करें वो बहुत रोचक है यहाँ पर, कि वोट परसेंटेज तो बहुत ज्यादा था लेकिन सीटें कम आई, इस तरह की स्थिति बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर झारखंड का आपसे बात करूँ तो यहाँ पर जेएमएम इतनी ज्यादा प्रभावी भूमिका में है, और ये खुद कांग्रेस, क्योंकि अविनाश पांडे जब प्रभारी थे वहाँ पर, और आपको याद होगा कि सरकार गिराने को लेकर तमाम तरीके की वहाँ पर स्थितियाँ भी पैदा हुई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, बहुत सारे घोटाले निकल कर आए, तब भी जो कांग्रेस के विधायक है वो बहुत कम भूमिका में है। और अभी भी अगर चुनाव जीतना है तो छोटे भाई की भूमिका में ही कांग्रेस को रहना होगा। सबसे पहले आपको बता दूं असेंबली इलेक्शन 2009 में क्या हुआ था, 9 में 57.5% टोटल वोटर टर्नआउट था, और भारतीय जनता पार्टी ने 66 सीटों पर कंटेस्ट किया था, 18 ही जीत पाई थी। इसके अलावा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का केवल 20 था। अगर मैं हालिया का 2014 के असेंबली इलेक्शंस का जिक्र करूं तो 66% वोटर टर्नआउट था, भारतीय जनता पार्टी 72 पे लड़ी, 37 जीती थी, 31% वोट बैंक था।